ये वोटिंग मशीन लेके आए हैं ताकि आप सभी को ये जागरूक कराए कि हम वोट कैसे देते हैं और किसी के मन में अगर कुछ शंका भी है वोट के बारे में, इस मशीन के बारे में, तो उसको भी क्लियर कर दें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि इस मशीन में 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग ये है, इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। इस कंट्रोल यूनिट के अंदर में आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें कितना वोट हुआ, किस कैंडिडेट के लिए कितना वोट हुआ, किस वक्त में हुआ, सब कुछ इसके अंदर में मिलेगा, ये है कंट्रोल यूनिट। और फिर दूसरा है ये बैलेट यूनिट, जिससे आप वोट करेंगे। यहाँ बैलेट बटन है, ये सब बटन है, और आपका जो कैंडिडेट का नाम होगा इधर में नाम लिखा जाए, कैंडिडेट का नाम ये आगे तक होगा और फिर उसके सामने कैंडिडेट का आपको सिंबल मिलेगा। अब इस मशीन में हम लोगों को 16 कैंडिडेट्स का प्रोविजन है, 16 कैंडिडेट के लिए इस वोटिंग मशीन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर 16 कैंडिडेट से ज्यादा अगर हुआ तो ऐसा वाला और 2-3 ऐसा मिला के जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, 15 कैंडिडेट प्लस 1 नोटा, नोटा तो सबको पता है मैन ऑफ द आवर, तो वो सबसे नीचे रहेगा नोटा, तो इस मशीन में इतना रहता है। लेकिन हमारे अरुणाचल में ये और नेक्स्ट है ये वाला, इसको कहते हैं वीवीपैट, वोटर्स वेरिफाइबल पेपर ऑडिट फाइल। इसका मतलब है ये वोटर देख सकते हैं कि आपने जिसको वोट मारा वो सच में उसी कैंडिडेट को दिया है कि नहीं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रिंटर, आप ऐसे ही मान सकते हैं कि ये एक प्रिंटर है, आपने यहाँ वोट किया और यहाँ आपको दिखाई दिया कागज में कि आपका वोट किसी ने ही दिया है। पहले जब नया नया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना था तो ये प्रिंटर नहीं था, प्रिंटर नहीं था, इसलिए बहुत लोगों के दिल में ये डाउट रहता था कि हमने इसको वोट तो दे दिया लेकिन रिकॉर्ड सही सलामत हुआ कि नहीं। तो उसी को क्लियर करने के लिए, वो सब डाउट हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रिंटर बनवाने के लिए कहा, तब फाइनली ये बन गया है। और आप इसमें सीधा देख सकते हैं कि आपने वोट जो किया उसी कैंडिडेट को मिला है कि नहीं। तो अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, आप लोगों को कैसे करना है। जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले मशीन आएगा, मशीन आने के बाद
इंजीनियर्स आते हैं, जिसने ये बनाया है ना, तो वो इंजीनियर्स आएंगे आपके इसको पूरा चेक करेगा, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चेक करता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल चेकिंग। फर्स्ट लेवल चेकिंग यहाँ हो चुका है पूरा अरुणाचल में इंजीनियर्स के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। और ये सब जितना भी आप लोगों ने इसमें डेवलपमेंट में देखा था सब डमी कैंडिडेट्स है, अभी बस टेस्ट करने के लिए। इसको हर एक वोटिंग मशीन में 1200 वोट्स दे देके टेस्ट किया गया, जिसको दिया है वो सही सलामत आया है, क्योंकि वो पूरा पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा है, उन्होंने खुद वेरिफिकेट किया है। उसके बाद ये मशीन पूरा ठीक ठाक है, कन्फर्म हो गया, तब जाके ऐसा ग्रीन कलर का स्टिकर चिपका दिया। ये ग्रीन कलर स्टिकर मतलब ये मशीन चेक हो चुका है और ये वर्किंग कंडीशन में है, ठीक ठाक है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। वैसे ही सभी तीनों मशीन में लगाया गया है, इंडिया में बनाया गया है। और इसको यूज करने से पहले हमेशा इंजीनियर्स आके चेक करते हैं। और फिर अभी बस डमी कैंडिडेट्स का है, अभी हमारा लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हमारा कैंडिडेट्स कितना होगा जो सच में इलेक्शन करने वाले हैं। तब फिर इंजीनियर्स आएंगे, फिर आएंगे और इसको सेट कर देगा, इसको भी सेट करेगा और ये कंट्रोल यूनिट में भी सेट करेगा कि कैंडिडेट नंबर 1 कौन सा कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर 2 कौन सा कैंडिडेट है। तो अभी हमारा अगर 3 या 4 या 5 जो भी कैंडिडेट बचता है उनका यहाँ में आएगा और नोटा रहेगा, फिर लास्ट बंद कर देगा, ठीक है। तो वैसा है, तो इंजीनियर्स आके ही इसको सेट करेंगे। तो अभी आपको वोट कैसे करना है बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो उसमें आप कोई सामने आके देखना चाहेगा तो यहाँ से देख सकता है, वोट करके देख सकता है। बैलॉट आप जब वोट करने जाएंगे ये दोनों मशीन का सामने सेट रहेगा, कंपार्टमेंट का अंदर रहेगा, ये मेन वाला मशीन आपके पास नहीं रहेगा, वो जो पोलिंग ऑफिसर है उसके पास रहेगा, वो इधर में बैलट दबा देगा, ये बैलट दबाएगा तब ये मशीन रेड बटन दब गया और आपका ये मशीन अभी वोट करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ में ग्रीन बटन दब गया ना, जल गया, तो अभी ये मशीन वोट करने के लिए रेडी है। कोई इसको वोट करके देख सकता है, आप वोट करके देख सकते हैं, किसी एक बटन तबला, में तबला, वोट करेंगे तबला। वोट करने के बाद आप इसको देखना है, हाँ। जो भी बटन अभी आप देखिए कि इसमें वही से आया है, जिसको दबाया वो आया कि नहीं, आया है ना, वैसे ही आप जितने बार भी कर सकते। और ये टी आवाज आ रहा है, ये टी वाला आवाज आने के लिए आपको वेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये आवाज आएगा उसको 6 सेकंड के लिए आपको एक कागज दिखाई देगा, यहाँ में जिसको बहुत गया वो दिखाई देगा, उसके बाद ही आप छोड़ के जाना है। पार्लियामेंट इलेक्शन का वोट करेगा, फिर असेंबली इलेक्शन का वोट करेगा, आवाज़ आने के बाद आवाज़ आने के बाद